देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। आर्ट को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे यानी कि विश्व कला दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर कला में रुचि रखने वाले कई लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही इस खास दिन पर लोगों के बीच अलग अलग कलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया जाता है। विश्व कला दिवस का लक्ष्य समाज में कलात्मक अभिव्यक्तियों को दृढ़ता से एकीकृत करना है। यही नहीं, समाज के विकास में कला के महत्व और योगदान को भी बताना है। कला प्रेमी इस दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। देश में स्वच्छ में नंबर वन शहर देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में विश्व कला दिवस के अवसर पर अद्भुत कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी जिसके संस्थापक सिद्धार्थ शर्मा एवं कला स्तंभ संस्था द्वारा जिसकी डायरेक्टर सपना कटफर है, इनकी अगुवाई में बच्चों ने राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा के समक्ष उद्यान में इंदौर को हरियाली में अग्रिम बनाने हेतु नारियल शील के ऊपर आर्ट वर्क पेंटिंग आदि बनाकर उसमें पौधारोपण किया, जिसमें कुछ समय बाद नारियल का शेल खाद बन जाएगा जो पौधों के लिए आवश्यक है एवं इससे प्लास्टिक का उपयोग भी कम होगा। इस प्रकार वेस्ट का बेस्ट उपयोग बच्चों को कला के माध्यम से सिखाता है। उज्जवल भविष्य सेवाश्रम के 30 बच्चों को कला स्तंभ के ग्रुप के द्वारा जिसमें रूपल सोनी और मुस्कान पाहवा एवं टीम के मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा कलात्मक गमलों का निर्माण किया गया, बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। मुख्य अतिथि पार्षद श्रीमती कंचन गिदवानी एवं विशेष अतिथि शैलजा मिश्रा ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। आभार सिद्धार्थ शर्मा, पुष्कर सोनी एवं सपना कटफर ने माना। ये चाहती हूँ, मैं सपना कटफर कलास्तंभ की फाउंडर हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर भी प्लास्टिक का रोकथाम लग गई उसकी कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है हमें, इसीलिए हमने ये सोचा कि कोकोनट शेल पे हम बच्चों को ये बताएं कि इसमें आप प्लांटेशन कर सकते हैं, कुछ रेडी कर सकते हैं, कुछ यूनिक सा बना के आप अगर गार्डन में लगाते हैं कहीं भी लगाते हैं तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ कि हमें कुछ नया करना है प्लांटेशन के लिए कुछ। तो क्या किस तरह से यहाँ पर वेस्ट से बेस्ट बच्चों बनाए, किस चीज़ को यहाँ पर बेस्ट करने की कोशिश की गई है? यहाँ पे अलग अलग मीडियम का यूज़ किया गया है, किसी ने वाली आर्ट बनाया है, किसी ने फोक आर्ट बना दिया है, किसी ने क्राफ्ट का वर्क कर दिया है। इस टाइप से बताया है कि हम ये कुछ नया काम कर सकते हैं। कला स्तंभ की ओर से विश्व कला दिवस पर क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपका सभी के लिए? बस यही संदेश फैलाना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करिए और अपने शहर को ग्रीन बनाइए, हरा भरा बनाइए, जैसे इंदौर ग्रीन सिटी क्लीन सिटी है। इस अवसर पर नारियल के जो शेल्स हैं उसमें बच्चों ने प्लांटेशन किए, उसके ऊपर वर्क किया है, तो इसमें अलग अलग तरह का वर्क है जिससे बच्चों को अपने अंदर की कला है उसे निखारने में मदद मिली है। बच्चों को इससे ये डायरेक्शन मिला कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, उससे अंदर की चीज़ें क्लियर होती है, वो बच्चों का रुझान बढ़ता है। परीक्षा होने के पश्चात कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि अधिकतर माहौल टेंशन युक्त हो जाता है, एक कला ही उसका मात्र रास्ता है जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप टेंशन को डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा है कि जो नारियल के शेल्स जो कचरे में जाते हैं उस पर कला करके, उस पर आर्ट करके उसके अंदर प्लांटेशन किया। ये किस काम आएगा, मतलब ये जो प्लांटेशन? ये आप प्लांटेशन गार्डन्स वगैरह हो गए हैं हमारे जो सर्विस रोड वगैरह है जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ईट्स वगैरह लगी रहती है जो अच्छी नहीं दिखती है गार्डन्स में, अगर आप वहाँ पे इससे लगाएंगे तो अच्छा भी दिखेगा, वहाँ पे इसकी केयर भी होगी।